हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो भी मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है इंटर्नशाला पे, जो भी अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें हुई है वो मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूंगी। अब ये पार्ट वन है, इसमें मैं आपको डिसएडवांटेजेस या कुछ स्कैम्स बताऊंगी जो मेरे साथ हुए थे इंटर्नशाला पे। इसकी जो पार्ट टू आएगा उसमें मैं आपको एडवांटेजेस बताऊंगी और बताऊंगी क्यों आपको इंटर्नशाला पे एप्लीकेशन डालनी चाहिए, क्यों आपको इंटर्नशाला चूज करना चाहिए, आपको क्यों उधर पे अच्छी इंटर्नशिप्स मिलेगी, वो बेनिफिट मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको डिसएडवांटेज या जो मेरे साथ स्कैम्स हुए थे वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। अब आपको स्टार्ट करने से पहले ये बता देती हूँ कि मैंने दो इंटर्नशिप्स की हैं जो मेरी इंटर्नशाला के थ्रू ही लगी हैं। अब उन दो इंटर्नशिप्स के दौरान मेरे साथ काफी स्कैम्स हुए हैं, काफी अप एंड डाउन हुए हैं, जो सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगी। कुछ स्कैम्स भी हुए हैं मेरे साथ जो मैंने फेस की है, कुछ कंपनीज स्कैम करती है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है फेक डिस्क्रिप्शन। ऐसा बहुत बार इंटर्नशाला पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि फेक डिस्क्रिप्शन देके रखती है कंपनी वाले। फॉर एग्जाम्पल वो डिस्क्रिप्शन में आपको देखे रखेंगे कि फ्लेक्सीबल टाइमिंग है एंड सैटरडे संडे ऑफ है। बट मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, जब मैं उधर पे सिलेक्ट होती थी, मीटिंग में जाती थी, तब मुझे पता पड़ता था जब वो मुझे काम समझाते थे कि इधर पे सैटरडे संडे ऑफ नहीं है, उन्होंने फेक डिस्क्रिप्शन देके रखा है, लाइक फ्लेक्सिबल टाइमिंग नहीं है। तो ऐसा बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि वो फेक डिस्क्रिप्शन देके रखते हैं। अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि इन्होंने इतना अच्छे से देख के रखा है, उन्होंने फ्लेक्सिबल टाइम दे रहे हैं और ये हमारे लिए इतनी अच्छी चीजें दे रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कंपनी ज्यादा अच्छी होगी, हम इधर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सारे अप्लाई कर देते हैं, जब जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो पता पड़ता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, उधर पे फ्लेक्सिबल टाइमिंग नहीं है। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि यार इतना कुछ हमने किया है, हमने इंटरव्यू दिया है, हमने एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई, हमने टास्क कंप्लीट करे हैं, तो चलो जैसा एक दो महीने की बात है हम कर लेते हैं। बट इसका सॉल्यूशन ये होता है कि आपको जब आपकी मीटिंग चल रही होती है, जब वो आपको इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो आप इंटरव्यू के स्टार्ट होने से पहले आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक आप उनसे स्टार्टिंग में पूछ सकते हैं कि सर आई हैव सम क्वेश्चंस, कैन आई आस्क इफ यू डोंट माइंड। अब अगर आप उनसे रिस्पेक्ट के तरीके से पूछेंगे, रिस्पेक्ट देंगे आप उनके लिए और अपने डाउट पूछेंगे, तो वो नो डाउट वो आपको आंसर देंगे एंड वो उस चीज को माइंड नहीं करेंगे। तो आप उनसे पूछिए कि सर ऐसा ऐसा एप्लीकेशन में देके रखा था, तो क्या ये सच है, आपका फ्लेक्सिबल टाइम है, सैटरडे संडे ऑफ है, वो आपको आंसर भी देंगे। उसके बाद आप इंटरव्यू कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप उनसे पहले ही स्टार्टिंग में पूछ रहे हैं इंटरव्यू के टाइम पे, या जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं, टास्क राउंड होता है, तो उस टाइम पे भी आप उनसे पूछ सकते हैं। तो फेक डिस्क्रिप्शन देखने के लिए आपको बहुत मिलेगा इंटर्नशाला पे, कंपनीज फेक डिस्क्रिप्शन देके रखती हैं। सेकेंड होता है फेक स्टाइफन। अब जैसे फेक डिस्क्रिप्शन होता है, सिमिलरली फेक स्टाइफन भी देके रखते हैं। आई वॉज अप्लाइंग फॉर माई फर्स्ट इंटर्नशिप, मुझे आज भी याद है। तो उन्होंने क्या किया था, एक कंपनी में जब मैंने अप्लाई किया था तो उधर पे लिख के रखा था उन्होंने कि वो लोग 2000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड करेंगे एज अ स्टाइफन। जब मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई तो मुझे पता चला कि वो अनपेड स्टाइफन है, वो अनपेड इंटर्नशिप, उधर पे कोई मुझे स्टाइफन नहीं मिलेगा। तो मुझे उस टाइम पे बहुत खराब लगा था कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने टास्क वगैरह बना के दिए एंड लास्ट ये बोल रहा है कि ये अनपेड है। और मैंने रीचेक भी किया जाके कि यार मैंने तो कोई गलती नहीं कर दी थी देखने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ पेड इंटर्नशिप पे ही अप्लाई कर रही थी एंड मुझे समझ में आया उस टाइम पे कि कंपनी वाले फेक स्टाइफन देके रखते हैं जिससे उनके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आए। अब इसका सॉल्यूशन यही रहेगा कि जिस टाइम पे आप टास्क कंप्लीट करें उनका, क्योंकि मैं टास्क कंप्लीट करती थी उसके बाद मुझे पता चलता था कि ये अनपेड है, तो जिस टाइम पे आपको टास्क दिया जा रहा है उनसे आप कम्युनिकेट कर लें, या जिस टाइम पे आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप इंटरव्यू के पहले ही पूछ लें कि ये अनपेड है या पेड है, इतना स्टाइफन आपका देके रखा है। अब इसका पूछने का भी एक तरीका होता है, जब मुझे ये चीज समझ में आ रही थी तो फिर मैं पूछने भी लगी थी, बट मैं एक रिस्पेक्ट के तरीके से सबसे पूछती थी, सारे कंपनी वालों से मैं ये चीज क्रॉस चेक करती थी। आप रिस्पेक्ट से कैसे बात कर सकते हो उनसे ये चीज कंफर्म करने के लिए, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आप उनसे ये पूछिए कि सर आई हैव सम क्वेश्चंस, कैन आई आस्क यू। अब वो बोलेंगे यस यू कैन आस्क। अब आप उनसे बोला सर इफ यू डोंट माइंड आई हैव सम क्वेश्चंस, अब आपके डिस्क्रिप्शन में ये चीजें लिखी थी, इतना स्टाइफन लिखा था, तो डू यू प्रोवाइड इतना स्टाइफन, तो अब वो बताएंगे यस वी प्रोवाइड या नहीं, वो बोलेंगे कि नहीं इतना स्टाइफन हम प्रोवाइड नहीं करते। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लें, आप एक बार उनसे रिस्पेक्ट तरीके से अच्छे से पूछ लें, अगर आप उनसे अच्छे से पूछेंगे तो वो डेफिनेटली आपको आंसर देंगे। तो आप इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले या टास्क राउंड से पहले आप उनसे एक बार पूछ लें, एक बार क्रॉस चेक कर लें कि स्टाइफन वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फेक स्टाइफन भी काफी कंपनी देती है। थर्ड होता है वर्क से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं तो मैंने ग्राफिक डिजाइनर के लिए किसी कंपनी में अप्लाई किया, उन्होंने मुझे टास्क भी दिया कि आप ये टास्क कंप्लीट कर दीजिए, बट टास्क कंप्लीट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो हमें कुछ और टास्क प्रोवाइड करते हैं जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफिक डिजाइनर थी तो मुझे उन्होंने ग्राफिक डिजाइनर के लिए सिलेक्ट कर लिया, और आगे चल के जब मैं सिलेक्ट हो गई तो वो मुझे वीडियो एडिटिंग का काम देने लगे, मुझे कोई
ग्राफिक डिजाइनिंग का काम नहीं देते थे वो। ऐसा भी बहुत बार होता है बच्चों के साथ कि वो किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहा है और उन्हें टास्क किसी और चीज का मिलने लगता है जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आप इस चीज के लिए भी आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ऐसा बहुत बार होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाता है, आपकी टीम बना दी जाती है और आपको पता पड़ता है कि आपने जिस चीज के लिए अप्लाई किया है वो उस चीज का टास्क तो वो दे ही नहीं रहे, किसी दूसरी चीज का टास्क वो आपको देते हैं। तो इस चीज में भी बहुत बार ऐसा होता है इंटर्नशाला पे जहां पे आपको दूसरे टास्क देने लगते हैं, दूसरा काम कराने लगते हैं, आपसे आपकी फील्ड से रिलेटेड वो कुछ काम ही नहीं करा। अब फोर्थ होता है नॉट रिप्लाइंग। अब ऐसा बहुत बार होता है जब हम अप्लाई करते हैं, हम टास्क कंप्लीट करके देते हैं, जो भी वो चीजें बोलते हैं हम वो सारी करके देते हैं, एट लास्ट वो हमें कुछ रिप्लाई ही नहीं देते, हमसे कुछ बोलते ही नहीं है कि आप सिलेक्ट हुए हैं या सिलेक्ट नहीं हुए हैं, और हम ऐसे बैठे ही रहते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप टास्क कंप्लीट करके दे देंगे, अपनी तरफ से आप सारी चीज कंप्लीट करके दे देंगे, टाइम पे कंप्लीट करके दे देंगे, बट स्टिल वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। आप उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे बट वो आपको रिप्लाई नहीं देंगे। तो ऐसा बहुत बार होता है। अब आपको वही मैं बोलूंगी, आपको एक कंपनी के लिए नहीं बैठना। आप फॉर एग्जाम्पल किसी का टास्क कंप्लीट कर देंगे तो आप उनका टास्क कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए, उसके बारे में भूल जाइए, आप नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। कंपनी वाले क्या करते हैं, अपनी वैकेंसी को क्लोज ही नहीं करते हैं, वो ओपन ही रहने देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें अप्लाई करते रहते हैं। अब जब आप अप्लाई करेंगे उसमें तो मे भी हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी टीम बना ली हो, ऑलरेडी उन्होंने लोगों को हायर कर लिया हो, तो वो आपको क्यों रिप्लाई करेंगे। तो इसलिए बहुत बार होता है कि आपको वो रिप्लाई भी नहीं देते, आप टास्क वगैरह कंप्लीट करके दे देंगे। तो आप किसी एक कंपनी के पीछे मत भागिए, आप सबको टास्क कंप्लीट करके देते जाइए, भूल जाइए कि आपने किसी को टास्क कंप्लीट करके दिया है, एंड फिर अपना आगे किसी कंपनी में अप्लाई करने लगी। तो ऐसे कुछ 4 से 5 इस टाइप के स्कैम होते हैं इंटर्नशाला पे जो मैंने फेस किए थे जब मैं अप्लाई कर रही थी इंटर्नशिप के लिए। आई होप आपको ये एक्सपीरियंस काम में आएगा और आपको आई होप ये गलती आप नहीं करेंगे जो मैंने गलती करी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।